हेलो स्टूडेंट्स, ई भारत चैनल पर पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज आप देखेंगे लेक्चर नंबर 13 और हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड 11th क्लास का सिलेबस एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकंड ईयर का सिलेबस। उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 6 सीबीएसई बोर्ड का एंड देन एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर का जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसका यूनिट नंबर 2 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीटेक सीएस सेकेंड ईयर या अदर ब्रांच में भी चल सकता है पाइथन प्रोग्रामिंग का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में यहाँ पर जो हमें बताया गया है क्या क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। इसमें हमें पढ़ना है एल्स स्टेटमेंट, इट्स वर्किंग एंड एग्जीक्यूशन, नेस्टेड इफ हमें पढ़ना है एंड इलिफ स्टेटमेंट इन पाइथन पढ़ना है, एक्सप्रेशन एंड इवेल्यूशन हमें पढ़ना है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यानी फ्लोट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होना है एंड देन उसके बाद हमें पढ़ना है लूप्स, पर्पज एंड वर्किंग ऑफ लूप्स हमको यहाँ पर स्टडी करना है, वाइल लूपिंग किस तरीके से काम करता है, फॉर लूप किस तरीके से काम करता है पाइथन में एंड देन नेस्टेड लूप हमको स्टडी करना है, ब्रेक एंड कंटिन्यू भी हमें देखना है। तो ये सिलेबस था हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सीएस सेकंड ईयर या अदर ब्रांच में भी चल सकता है ये पेपर, तो उसका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं, तो आप जो इसकी प्रीवियस सीरीज है ई भारत चैनल की पाइथन प्रोग्रामिंग की जो सीरीज चल रही है वो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 जो है वो हमने पूरा कंप्लीट कराया है वहाँ पर। अब बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड जो 11th क्लास का सिलेबस है वो क्या है, तो ये चलते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी ने जो सिलेबस लगाया है यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड में वो चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम कुछ छोटे से प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पर, फिर हम बात करेंगे सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे सिलेक्शंस के डिफरेंट जो हमें यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे इंडेंटेशन को, इंडेंटेशन किस तरीके से लगाया जाता है, ब्लॉक किस तरीके से बनाया जाता है और इसके एक दो प्रोग्राम हम बना करके देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब किसी चीज़ को बार बार रिपीट कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लूपिंग। लूपिंग में हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप को और हम पढ़ने वाले हैं साथ में वाइल लूप को, ठीक है, और साथ में हम पढ़ेंगे क्या रेंज फंक्शन को, रेंज फंक्शन फॉर लूप के साथ कैसे काम करता है और विदाउट फॉर लूप ये कैसे काम करता है इसकी वर्किंग को हम देखने वाले हैं। कुछ 4-5 प्रोग्राम बनाएंगे फॉर लूप से, वाइल लूप से और रेंज फंक्शन के और देखेंगे उनका आउटपुट क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे वाइल लूप, वाइल लूप का वर्किंग क्या है, फ्लो चार्ट क्या है एंड देन उसके प्रोग्राम्स देखेंगे एंड देन उसका आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, ओके। उसके बाद हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये क्या स्टेटमेंट है और ये कब यूज किए जाते हैं, इनका पर्पज क्या है और इनसे क्या होने वाला है प्रोग्रामिंग में, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनके आउटपुट को निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को, कंटिन्यू स्टेटमेंट में भी हम देखेंगे उसका फ्लो चार्ट क्या है, इसकी वर्किंग क्या है और कुछ 3 या 4 या 5 क्वेश्चन जो है उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उनके आउटपुट को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारा है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कैसे बनता है, क्या लूप विद इन लूप को नेस्टेड लूप कहा जाता है, क्या फोर के अंदर वाइल लूप आ सकता है या वाइल के अंदर फोर लूप आ सकता है, किस तरीके से ये काम करेगा, कैसे लिखा जाएगा, प्रोग्राम क्या क्या होंगे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में बताएंगे फोर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है, कुछ पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, जिस तरीके से पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे हो इस पैटर्न को हम फोर लूप या वाइल लूप से कैसे जनरेट करते हैं, डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स को हम यहाँ पर जनरेट कराएंगे।
फैक्टोरियल नंबर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, फिबोनाची सीरीज किस तरीके से लिखी जाती है उसको हम यहाँ देखेंगे, एंड देखेंगे वेरियस टाइप के प्रोग्राम्स जो लूप की हेल्प से और इफ एल्स या इफ एल्स लैडर की हेल्प से या इफ एलिफ एल्स की हेल्प से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस तरीके से पढ़ते हुए हम इसको पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड देन लास्ट में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज जिसमें ये क्वेश्चन होंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स इलिफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड सो ऑन। ये बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है, और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, इनके सब हम यहाँ पे प्रोग्राम बना करके देखेंगे, ये डिफरेंट पैटर्न्स को भी बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद ये चैप्टर हम करेंगे फिनिश। और फिर इसके बाद एक सीरीज आएगी आपके पास, कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन की एक सीरीज आएगी, उसका सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो ये सिलेबस था आपके CBSE बोर्ड में जो NCERT के थ्रू वो सिलेबस लगाया गया है 11th क्लास के लिए, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और साथ में हम डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का VTech CS सेकेंड ईयर या अदर ब्रांचेज में जहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग चलता है उसका यूनिट नंबर 2। तो अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि हम इस चैप्टर में या इस यूनिट में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, उसमें देखते हैं यूनिट नंबर 2 के कंटेंट को।